The human gas exchange system. The respiratory system एक biological system है जो specific organs और structures से मिलकर बना होता है जो humans और दूसरे animals में gas exchange के लिए उसे होता है ये सिर्फ oxygen को body में ले आता है बल्कि carbon dioxide, एक waste gas, को भी बाहर निकलता है लेकिन हम ऑक्सीजन को हवा से अपने बॉडी सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकलते हैं चलो एक सांस की जर्नी को फॉलो करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द मोमेंट यू इनहेल नेजल कैविटी और माउथ हवा हमारे बॉडी में इन ओपनिंग से एंटर करती है फैरिंग्स और लैरिंग्स फैरिंग्स एक पाथवे है जो हवा और फूड दोनों के लिए होता है जो लैरिंग्स तक ले जाता है जिसमें हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं ट्रेकिया इसे विंड पाइप भी कहा जाता है ट्रेकिया इनहेल की गई हवा को फिल्टर करता है ब्रॉमकाय और ब्रोंकियल्स ट्रेकिया डू ब्रोंकाय में डिवाइड हो जाता है हर एक लंग को लीड करता है ब्रॉमकाय फर्दर सब डिवाइड हो जाती है इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स विद इन द लंग्स लंग्स ये रेस्पिरेशन के में ऑर्गन्स है जहां गैस एक्सचेंज होता है एल्वियोली ये छोटे एयर सैक्स होते हैं ब्रोंकियल्स के एंड में जहां एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है यहां इनहेल्ड एयर से ऑक्सीजन एल्वियोली की वॉल्स के थ्रू डिफ्यूज होकर कैपिलरीज में एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में आता है साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोली में डिफ्यूज होकर एक्सहेल होने के लिए रेडी होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है सेल्युलर रेस्पिरेशन के लिए उसे होता है जो हमारे सभी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है एक्सहलेशन जब हम ब्रीद आउट करते हैं यानी एक्सहेल करते हैं डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है और हवा लंग्स से बाहर पुश होती है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करती है इम्पोर्टेंस ऑफ एफिशिएंट गैस एक्सचेंज एफिशिएंट गैस एक्सचेंज क्रूशल है बॉडी के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सेल्युलर रेस्पिरेशन को सपोर्ट करने के लिए और हमें एनर्जाइज और हेल्दी रखने के लिए फैक्टर्स एफेक्टिंग गैस एक्सचेंज प्रॉपर मैचिंग ऑफ एयरफ्लो वेंटिलेशन और ब्लड फ्लो परफ्यूजन इन द लंग्स एंड एफिशिएंट गैस एक्सचेंज अ लार्जर सरफेस एरिया अलाउज फॉर मोर गैस एक्सचेंज लंग्स का लोब्ड शेप एक ह्यूज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन्स गैसेस के इजियर डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करती है ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम को समझना हमें हेल्दी लंग्स को मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस को अप्रिशिएट करने में मदद करता है प्रॉपर ब्रीदिंग रेगुलर एक्सरसाइज और हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचने के जरिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले स्टडी स्केच के लिए और ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम